10 लाख रुपए की घूसकांड में फंसे लेखपाल चौधरी भीमसेन के खिलाफ पुलिस और विजिलेंस की जांच आधार में है। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने भ्रष्टाचार के आरोप में चौधरी भीमसेन के विरुद्ध केस दर्ज होने और कार से 10 लाख रुपए बरामद होने के बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया था। नियुक्ति प्राधिकारी SDM नवोदिता शर्मा को विभागीय जाँच दी गयी। तहसीलदार रजनीश वाजपेयी के नेतृत्व में SDM ने 2 सदस्यीय टीम से जाँच कराई। विभागीय जांच में लेखपाल की संपत्तियों से लेकर आचरण तक रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे आरोप पत्र के रूप में चौधरी भीमसेन को सौंपा जाएगा। भीमसेन से आरोप पत्र पर जवाब तलब किया जाएगा। तहसीलदार का कहना है कि कर्मचारी आचरण भ्रष्टाचार में संलिप्तता और कार्य में लापरवाही के आरोप प्रथम दृष्टता सही साबित हुए हैं। लेखपाल के आचरण से प्रशासन व राजस्व विभाग की छवि धूमिल हुई है। लेखपाल से आरोप पत्र में 3 बिंदुओं पर जवाब तलब किया जाएगा। रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए DM को भेजी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 21 दिसंबर को बमरौली कटारा निवासी युवक ने लेखपाल पर खतौनी में नामांतरण के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप लगाते हुए सदर तहसील में हंगामा किया था। पुलिस ने लेखपाल की कार जब्त कर ली। वहीं दूसरे दिन थाने में फॉरेंसिक टीम ने जब कार खोली तो उसमें 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। DG महाराजा न्यूज के लिए वरिष्ठ आरिफ की रिपोर्ट।